हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स इज़ एन एक्टिविटी विच डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक क्या है, एक एक्टिविटी है जो डील करती है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम किया जा सके। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हो, तो उसको कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और कौन से गुड्स और सर्विसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके लिए उसको जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक मीन्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ मनी, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि मनी, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट में क्या इंटर रिलेशनशिप है। यानी कि हमें कितना पैसा लगाना है, हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमें कितने लोग रखने हैं, हमें पूरी मैनेजमेंट कैसे करनी है इंडस्ट्री की, वो पूरा किसके अंडर, इकोनॉमिक्स के अंडर। तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है तो उसे देखना पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर उसे डेवलप करना है उसको कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं, उसे कितने लोग रखने पड़ेंगे जिससे प्रॉफिट होगा, क्या सॉफ्टवेयर टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, क्या क्वालिटी क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे, वो सब चीज़ों को डील करना पड़ेगा जो किसके अंडर आएगा, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के। द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंसिडरिंग द 5 बेसिक थिंग्स और पैरामीटर्स। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट मॉडल्स क्या क्या होते हैं। अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है जिससे हम उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकें। फर्स्ट पैरामीटर इज साइज। साइज ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सोर्स लाइंस ऑफ कोड SLOC और द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। एंड प्रोडक्ट यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अगर उसकी कॉस्ट निकालनी है तो वो डिपेंड करती है साइज़ कितनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। साइज़ कितनी है मतलब कि जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस का कोड है, या फिर कितने फंक्शन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। फंक्शन पॉइंट्स मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बता चुकी हूँ, आप चाहो तो उसको देख लेना। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स क्या होती हैं कि एक्सटर्नल यूज़र इनपुट कितना लगेगा, एक्सटर्नल आउटपुट कितने देने होंगे, इंटरनल लॉजिक डेटा ग्रुप्स क्या होंगे, एक्सटर्नल डेटा इंटरफेसेस क्या होंगे, एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितनी होंगी। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको फंक्शन पॉइंट्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बता चुकी हूँ। तो गिवन फंक्शनैलिटी को, रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो जो फंक्शनैलिटी हमें यूज़र को प्रोवाइड करनी है उसको प्रोवाइड करने के लिए कितने फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने सोर्स ऑफ लाइन कोड लिखना पड़ेगा, ये बताता है साइज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब है प्रोजेक्ट जितनी लार्ज साइज़ का होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। तो जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट्स आप प्रोजेक्ट में रखोगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में रखोगे, उतनी ही सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। इन पैरामीटर क्या है, प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस द एंड प्रोडक्ट एंड टू अवॉइड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीवर, कम्युनिकेशन ओवरहेड, ETC। तो प्रोसेस जो होती है वो यूज़ करते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और जिससे जो है नॉन एडिंग एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जा सके। यानी कि इस टाइप से आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा जिससे रीवर्क नहीं करना पड़े, कम्युनिकेशन ओवरहेड ज़्यादा नहीं हो, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, वो टाइम पे या बजट में नहीं प्रोड्यूस हो सके। तो इसमें हेल्प करती है प्रोसेस। प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती है। थर्ड पैरामीटर इज पर्सनल। द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सनल एंड पर्टिकुलरली देयर एक्सपीरियंसेस
with the computer science issues and the application domain issues of the project. या जो persons हैं जो software development में help कर रहे हैं तो वो उनका experience कितना है, उनको कितना नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर डोमेन, उस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ही कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करती है. क्योंकि अगर अनएक्सपीरियंस डेवलपर्स रखे गए हैं तो उस केस में क्या होगा, टाइम उनको ज़्यादा लगेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. तो एक्सपीरियंस पर्सन जितने ज़्यादा रखे जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ होगी. तो किस टाइप के पर्सन हमें रखने हैं जिससे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हाई भी नहीं हो और गिवन डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हम उनको यूज़ कर पाए. नेक्स्ट पैरामीटर इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल टू सपोर्ट एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टू ऑटोमेट द प्रोसेस. तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कौन से टूल्स और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे सॉफ्टवेयर को हम एफिशिएंटली डेवलप कर सकें और उसकी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें. क्योंकि अगर हर चीज़ हम डेवलपर से करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ऐसे क्या सॉफ्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहिए जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं बढ़े और कम टाइम में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कम टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके. तो इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट को. नेक्स्ट पैरामीटर इज़ क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड यूज़र इंटरफेस यूटिलिटी. अब अगर आप चाहते हो कि हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हमें कस्टमर को प्रोवाइड करना है तो अगर आप हाई क्वालिटी का, जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का आप सॉफ्टवेयर उसको देना चाहोगे उतनी उसको कॉस्ट भी लगेगी. और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे चेक की जाती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो रिलायबल है कि नहीं, वो अडेप्टेबल है कि नहीं, जो कस्टमर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, पोर्टेबल है कि नहीं, उसे एक प्लेटफॉर्म से, एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म से दूसरे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं कि नहीं, यूज़र को इंटरफेस किस टाइप का प्रोवाइड करना है. तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. तो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का आप चाहते हो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना उतना ही आपको कॉस्ट भी लगेगी, उतनी ही कॉस्ट भी लगेगी उसको डेवलप करने की. तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइज़ भी देखनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर की साइज़ कितनी हो रही है, उसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस और कितने फंक्शन पॉइंट्स को हमें यूज़ करना पड़ रहा है, उसमें किस टाइप की प्रोसेसेस को अप्लाई करना है जिससे जो है सॉफ्टवेयर सही से डेवलप हो सके और कोई भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी उसमें ऐड नहीं हो सके जिसकी वजह से हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़े. कितने लोगों को रखना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस के लोगों को रखना चाहिए जिससे जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके गिवन कॉस्ट में. क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए जिससे सॉफ्टवेयर जो है गिवन कॉस्ट में डेवलप हो सके, और किस क्वालिटी का रखना चाहिए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है गिवन बजट में और गिवन टाइमलाइन में बन सके. द रिलेशनशिप अमंग दीज पैरामीटर्स एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कैन बी रिटन एज. तो इन पैरामीटर्स के बिटवीन, ये फाइव पैरामीटर्स के बिटवीन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगी सॉफ्टवेयर की, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. एफर्ट यानी सॉफ्टवेयर कॉस्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, पर्सनल इनटू एनवायरमेंट इनटू क्वालिटी इनटू साइज टू द पावर प्रोसेस रिलेशनशिप होती है इन सारी पैरामीटर्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट से. तो सबसे ज़्यादा कौन सा पैरामीटर अफेक्ट करता है कि कितनी साइज़ का आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और क्या प्रोसेस उस पर अप्लाई कर रहे हो. सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट, दैट मीन्स एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड साइज, एग्जिबिट्स ए डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस एक्सपोनेंट बीइंग ग्रेटर देन वन. तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स बता रहा है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और जो साइज़ है ये एक डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ज़्यादा इफेक्ट करेंगे भी हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा. यानी जितनी ज़्यादा आप साइज़ पर प्रोसेस रखोगे उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर देना, इट इंडिकेट्स दैट मोर सॉफ्टवेयर वी बिल्ड
इट कंज्यूम्स मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड करोगे, यानी जितनी ज़्यादा आप लाइंस ऑफ कोड बढ़ाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पर यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो द पर लाइन कॉस्ट ऑफ स्मॉलर एप्लीकेशंस इज लेस देन फॉर द लार्जर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी स्मॉलर एप्लीकेशंस है जिसमें आपने नंबर ऑफ लाइंस कम लिखी हैं, तो पर लाइन कोड की, जो आपने कोड लिखा है उसकी लाइन ऑफ कॉस्ट कम की होती है एज कम्पेयर टू लार्जर एप्लीकेशन जिसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता है। यानी आप जितनी ज़्यादा साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई स्मॉलर एप्लीकेशन डेवलप की है तो उसमें लाइंस ऑफ कोड कम होंगे, यानी साइज़ जो है वो लेसर होगी, तो आपको कॉस्ट कम लगेगी इसको डेवलप करने में। और इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर आपको ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें लाइंस ऑफ कोड या साइज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, पर लाइन कॉस्ट जो होगी उसकी डेवलपमेंट की वो ज़्यादा लगेगी।